हाय फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप यदि अपने यूट्यूब चैनल का यूआरएल कस्टम कर लिए हैं, कस्टम यूआरएल बना लिए हैं, तो आप उस यूआरएल को कैसे चेंज कर सकते हैं। गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप अगर चैनल का नाम चेंज करते हैं तो आपको अपना कस्टम यूआरएल भी चेंज करना होता है। तो कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए मैं फायरफॉक्स ब्राउज़र का सहारा लूँगा। मैं फायरफॉक्स के सहारे मैं इसे करके आप सभी को दिखाऊंगा। आप चाहे तो क्रोम ब्राउज़र का भी हेल्प ले सकते हैं, ओपेरा मिनी से भी आप कर सकते हैं। तो मैं सिंपली फायरफॉक्स एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद गूगल पे चले जाते हैं। गूगल पे जाने के बाद गाइज, यहाँ पर मैं अपना चैनल का आईडी पहले से ही लॉगिन कर रखा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सर्च करना है आपको YouTube स्टूडियो सर्च करना है। YouTube स्टूडियो सर्च करने के बाद गाइज, आपको जो पहला वेबसाइट आएगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद गाइज, देखिए यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो चैनल का यूट्यूब स्टूडियो है वो ओपन हो जाएगा। तो यूट्यूब स्टूडियो ओपन होने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से फॉलो करना होगा, तभी आप कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर चैनल यहाँ पर ओपन हो चुका है। आपको आप देखिएगा कि राइट साइड कॉर्नर में आपको अपने चैनल का लोगो दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। लोगो पर क्लिक करने के बाद योर चैनल, इससे पहले आपको डेस्कटॉप मोड में कर लेना जरूरी है। देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप मोड में कैसे कीजिएगा, देखिए यहाँ पर नीचे में 3 डॉट आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए डेस्कटॉप साइट आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर डेस्कटॉप साइट में ओपन हो गया, डेस्कटॉप मोड में ओपन हो गया। अब डेस्कटॉप मोड में ओपन होने के बाद आपको चैनल के लोगो पर क्लिक करना है। चैनल के लोगो पर क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं चैनल के लोगो पर क्लिक करते हैं तो आपको देखिए योर चैनल का ऑप्शन दिख जाएगा। योर चैनल पे आपको क्लिक करना है। योर चैनल पर क्लिक करने के बाद आपको एक नया सा इंटरफेस आपको ओपन होगा। और ओपन होने के बाद देखिए गाइज, यहाँ पर अभी ओपन नहीं हुआ, थोड़ा नेट स्लो की वजह से लेट हो रहा है। देखिए गाइज, यहाँ पर ओपन हो चुका है। इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए गाइज, यहाँ पर आपको फिर से चैनल के लोगो पर क्लिक करना है। देखिए चैनल का लोगो आपको दिख रहा है ऊपर में, फिर से चैनल के लोगो पर क्लिक करना है। चैनल के लोगो पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे में सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। देखिए यहाँ पर सेटिंग आपको दिख रहा है, थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखिए गाइज, यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा है, सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। और आपको यहाँ पर व्यू एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है। व्यू एडवांस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद गाइज, देखिए मेरे चैनल का यूआरएल आपको दिख रहा है, SV इंग्लिश जोन, क्योंकि मेरे चैनल का नाम पहले था SV इंग्लिश जोन, जो कि अब SV स्मार्ट टेक हो चुका है। तो मैं चाहता हूं कि अपने URL भी SV स्मार्ट टेक के नाम से बना लूं। तो हमें क्लिक करना होगा यहां पर लर्न मोर अबाउट कस्टम URL और हियर है, तो हियर पर क्लिक कर लेना है। हियर पर जैसे ही क्लिक करते हैं गाइस, तो देखिए यहां पर इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। आपको नीचे लेकर जाता हूं और यहां पर आपको दिख रहा है रिमूव कस्टम URL एंड क्लेम अ न्यू वन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज देखिए नीचे और भी कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। यहां पर आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं और यहां पर अबाउट मी पर क्लिक करना है। अबाउट मी पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर अबाउट मी पर क्लिक करने के बाद नया सा इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिख जाएगा। और स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद देखिए आपका चैनल का URL यहाँ पर दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर, यहाँ आपको रिमूव का ऑप्शन आ गया है, तो रिमूव पर क्लिक करना है। रिमूव पर क्लिक करने के बाद देखिए आपका चैनल का जो URL है ये URL रिमूव हो जाएगा। अब हमें रिमूव पर क्लिक करना होगा। रिमूव पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो मेरा जो चैनल का URL था
वो देखिए गाइस रिमूव हो चुका है। अब हम यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हमें फिर से अपना चैनल के URL को बनाना होगा। तो बैक जाने के लिए हम यहाँ से हटाते हैं गाइस एक एक करके, और देखिए गाइस यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ से बैक चले जाते हैं। देख सकते हैं गाइज मैं बैक होकर फिर से यहाँ पर आ चुका हूँ। और यहाँ पर आने के बाद व्यू एडवांस सेटिंग पर फिर से क्लिक करना होगा। व्यू एडवांस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद देखिए गाइज मेरा जो चैनल का पहले से URL था वो यहाँ से हट चुका है, और फिर से क्लेम इट हेयर पर क्लिक करना होगा। क्लेम इट हेयर पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो SV इंग्लिश जोन था वो भी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हमें उसे हटा देना है। और जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है SV स्मार्ट टेक, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है। इस पर क्लिक करके और क्लिक करने के बाद चेंज URL पे क्लिक करना होगा। चेंज URL पे जैसे ही क्लिक करते हैं गाइज तो यहाँ पर फिर से कन्फर्म चॉइस पर क्लिक करना होगा। और कन्फर्म चॉइस पर क्लिक करने के बाद जो मेरा चैनल का URL है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाता है। और देखिए यहाँ पर वर्किंग हो रहा है, लेकिन अब चेंज हो चुका है गाइज। इस प्रकार से आप अपने कस्टम URL को फिर से चेंज कर सकते हैं अगर आप पहले से इनेबल कर रखे हैं तो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आपके मन में कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।